आगे है 2023 की वीक 18 की इनकम की लिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट चैनल कलर्स टीवी के सभी शोज की इस हफ्ते की फुल टीआरपी रेटिंग्स के साथ फुल इनकम। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे हम कलर्स टीवी के साबी की सवारी से। इस हफ्ते साबी की सवारी की टीआरपी निकल कर आया था 0.7, इनकम निकल कर आया है 14 लाख। उदारिया की टीआरपी निकल कर आया था 1.3 और इनकम निकल कर आया है 37 लाख। तो इस हफ्ते इस शो का इनकम इंक्रीज हुआ है। परिणीति की टीआरपी निकल कर आया था 1.4 और इस हफ्ते इस शो का इनकम निकल कर आया है 31 लाख। उसके बाद है प्यार के सात बसन धर्म पत्नी, टीआरपी निकल कर आया था 1.2, इनकम निकल कर आया है 19 लाख। अग्निशक्स से एक समझौता की टीआरपी निकल कर आया था 0.5, इनकम निकल कर आया है 10 लाख। जुनूनियत की टीआरपी निकल कर आया था 0.9, इनकम निकल कर आया है 17 लाख। नागिन 6 की टीआरपी निकल कर आया था 1.3, इनकम निकल कर आया है 45 लाख। एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल की टीआरपी 0.5, इनकम निकल कर आया है 10 लाख। तेरे इश्क़ में घायल की टीआरपी निकल कर आया था 0.7, इनकम निकल कर आया है 14 लाख। बेकाबू की टीआरपी निकल कर आया था 0.9, इनकम निकल कर आया है 18 लाख। सुहागन की टीआरपी निकल कर आया था 1.0, इनकम निकल कर आया है 21 लाख। तो ये है कलर्स टीवी के इस हफ्ते के सभी शोज की टीआरपी के साथ सभी शोज की फुल इनकम। तो इन शोज में से आपको कौन सा शो देखने में सबसे ज़्यादा पसंद आता है कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। जहाँ पर इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इनकम किया है नागिन 6 ने और सबसे कम इनकम किया है एंटरटेनमेंट किरदार हाउसफुल और अग्निशक्सी एक समझौता। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए। देखते रहिए एंटरटेनमेंट की।